हाय गाइस, आज यहाँ पे मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। ये एक हिसाब से टूल है जो कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होमोजेनाइजेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। ये कॉनिक सेक्शन में बहुत यूज में आता है, सर्कल में काफ़ी यूज में आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो आता ही है। यहाँ पे पहले हम समझेंगे होमोजेनाइज करने का मतलब क्या होता है, राइट? तो एक एग्जांपल मैं यहां कंसीडर करता हूं। मेरे पास एक ऐसा कोई सवाल आया सपोज मेरे पास कोई एक सर्कल है, राइट? और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर। ये मेरे पास कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर। और मेरे पास एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू वन। लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू वन। ये लाइन कुछ इस तरीके से दिखती है। ये पॉइंट सपोज हमारे पास a है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है? b है। और हमें एक ऐसा लाइन लिखना है, ऐसा पेयर ऑफ लाइन लिखना है जो ओरिजिन और पॉइंट a और पॉइंट b से पास करे। वो लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी, लाइक दिस। और ये लाइन हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी यहां ए से पास। तो आप देख रहे हैं जो भी लाइन हमें यहां पे लिखनी है जो ओरिजिन और ए और बी से पास कर रही है वो एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगी, जैसे एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी। उसकी चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। पहले यहां पे मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूं। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स वन, ठीक है? तो मीन्स आपको एक ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो पॉइंट ए बी और ओरिजिन से पास कर रही हो। दोनों लाइन पे कॉमन पॉइंट क्या है? ओरिजिन। और ए और बी अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है? यानी ये पेयर ऑफ एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, जब हम एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात करते हैं तो क्योंकि आप यहाँ पे दो लाइंस लिख रहे हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। एल वन एक्स प्लस एम वन वाई इंटू एल टू एक्स प्लस एम टू वाई इक्वल्स जीरो। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस समथिंग इंटू एक्स वाई आएगा प्लस समथिंग इंटू वाई स्क्वायर आएगा इक्वल जीरो। आप देख सकते हैं सभी टर्म्स के पास यहां पे डिग्री कितनी है? टू है। और ऐसा इक्वेशन जिसके सारे टर्म्स में डिग्री सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहां पे अच्छा, और एक और कंडीशन क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं साथ साथ उसको ओरिजिन सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ये बात मैंने छोड़ दी थी, ओरिजिन सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अब भाई यहां पे आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? यानी मैं इस सर्कल को अगर इस लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज करूं तो मुझे यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो यहां फिगर में दिखा रखी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह, होमोजेनाइज वर्ड को जानते नहीं है। अच्छा, मैं एक काम यहां पे करता हूं। मेरे पास लाइन और अगर सर्कल को मैं सॉल्व करूं तो ये ए और बी पॉइंट मिल जाएंगे। फिर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं, एक पॉइंट हमें ओरिजिन पता है। लेकिन मुझे पता है इक्वेशन जो आएगा उसका फॉर्मेट इस तरीके से कुछ कुछ होगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ऐसे कुछ लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर। मैं क्या कर रहा हूं, लाइन और सर्कल की हेल्प से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टर्म में एक एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर की वैल्यू इक्वल होगी एक्स प्लस वाई। यहां पे क्या था? वन था। वन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स प्लस वाई से। अब यहां पे क्या खास बात है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ए बी
ओ तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा करने से मुझे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा? आंसर है नो, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए सब जगह डिग्री क्या होना चाहिए? टू। यहाँ पे डिग्री तो टू है, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी है? वन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। जैसे मैंने स्क्वायरिंग किया, दोनों साइड अब क्या बन गया? डिग्री टू, और ओरिजिन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपको ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मिल गया जो ओरिजिन से पास कर रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइज करना। तो यहाँ पे मैंने सर्कल को विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन का क्या कर दिया? होमोजेनाइज कर दिया। जब आप होमोजेनाइज कर देते हैं किसी भी कर्व को विद हेल्प ऑफ सम स्ट्रेट लाइन, तो आपको ओरिजिन से उस कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई। ऐसे ही अगर मैं जनरल सेकेंड डिग्री कर्व कंसिडर करूं, मैं यहाँ पे कोई जनरल सेकेंड डिग्री कर्व कंसिडर कर लेता हूं। अब यहां से आप ये बात याद रखेंगे, ये सेकेंड डिग्री कर्व है, इसको हमने कहा भाई सी इक्वल टू जीरो, ये कोई सेकेंड डिग्री कर्व है, ठीक है? जैसा कि आप पढ़ रहे थे भाई, कुछ ऐसा ले लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो, इसी का नाम हमने रख लिया। सी हटा के एस इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, ये कर्व है, यही हमारा कर्व है, एस इक्वल जीरो, राइट? और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मेरे पास जो है वो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल जीरो। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल जीरो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मैं एक ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना चाहता हूं जो पॉइंट ए बी मीन्स कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास कर रही हो, इस तरीके से। तो जब आप ए बी पॉइंट से पास करते हुए इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिख लेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, हमने इस कर्व को इस लाइन की हेल्प से क्या कर दिया? होमोजेनाइज कर दिया। यानी अगर हम इसे होमोजेनाइज करें तो कैसे करेंगे? हर जगह हमें सेकेंड डिग्री टर्म दिखना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर है प्लस टू एच एक्स वाई है प्लस बी वाई स्क्वायर है प्लस, अब यहां पे होमोजेनाइज करने के लिए हम यहां पे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं टू जी एक्स प्लस टू जी एक्स इंटू वन प्लस टू एफ वाई इंटू वन प्लस, यहां पे सी था, यहां पे हम सी इंटू वन स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ सेकेंड डिग्री टर्म है, यहाँ सेकेंड डिग्री टर्म है, यहाँ सेकेंड डिग्री टर्म है, यहाँ पे वन डिग्री है, यहाँ पे वन डिग्री है, यहाँ पे जीरो डिग्री है। तो यहाँ हर जगह हमें क्या करना है? सेकेंड डिग्री बनाना है। तो वन की प्लेस पे हम इस लाइन की मदद लेने वाले हैं, मीन्स हम वन की प्लेस पे लिखेंगे एल माइनस ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन एन। तो वन स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ जाएगा? एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा करने से अब खास बात क्या होती है कि आपने इस कर्व को इस लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज तो कर दिया, उसको साथ ही साथ ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। भाई होमोजेनाइज करने पर ओरिजिन तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ए और बी पॉइंट भी उस पर लाई कर रहे हैं। तो इन तीन पॉइंट से आपको यही वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि तो इसमें एक पॉइंट फिक्स है और दो पॉइंट आपके ए और बी है, मीन्स आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही मिल जाएगी। इसी टेक्निक को बोलते हैं होमोजेनाइज करना, ठीक है? जब आप ये सारी वैल्यू वन वगैरह की वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन पुट करेंगे अपॉन एन कर रहे हैं, तो अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट आप यहाँ डालेंगे तो आपको वन ही मिलेगा, ठीक? अब यहाँ पे कुछ हम अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो भी हमने लिया है थोड़ा सा इजी है,
यहाँ पे दिया गया इफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एट ए एंड बी इफ कॉर्ड ए बी ऑफ पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन देन वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे बहुत ये बेसिक प्रॉब्लम है वैसे, अगर किसी को होमोजेनाइज करने की टेक्निक आती है तो उसे देखते ही तुरंत आंसर कर देगा। यहाँ पे मैं पैराबोला बना लेता हूँ, ये हमारे पास एक पैराबोला है और हमारे पास मेरे दोस्त एक लाइन है, लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू। अब इस पैराबोला और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, होमोजेनाइज कर रहे हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, होमोजेनाइज कर रहे हैं। तो होमोजेनाइज करने से मुझे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, अच्छा और क्या कहा है कि जो ये कॉर्ड ए बी है ऑफ दिस पैराबोला वो यहां पे 90 डिग्री ओरिजिन पे सबटेंड कर रहा है, यानी उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो होमोजेनाइज करना बहुत इजी है भाई, होमोजेनाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैराबोला और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमें कॉर्ड मिल रहा है ए बी, ये ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं पैराबोला के वर्टेक्स पे। एम की वैल्यू पूछ रखी, यानी मैं अगर लाइन और कर्व को होमोजेनाइज कर दूं या कर्व को लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज कर दूं तो मुझे जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो क्या खास बात होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम कितना करते हैं, जीरो। वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होगा, टैन थीटा इक्वल्स कोई और एंगल होगा तो आप ये टेक्निक यूज करेंगे, टू मॉडुलस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां पे होमोजेनाइज कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स लिखा हुआ है इंटू वन, यहां पे डिग्री टू बट यहां पे वन है, तो वन की प्लेस पे हम यहां पे क्या पुट करने वाले हैं, वाई माइनस एम एक्स अपॉन टू। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर एक्स वाई माइनस एम एक्स अपॉन टू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस टू एम एक्स स्क्वायर, सबको सेम साइड में ले आओ, तो टू एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई की वैल्यू जीरो आ रही है। अब आप इसको होमोजेनाइज कर ले गए, यानी आपको वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गया जो ओरिजिन ए और बी से पास कर रहे हैं, इसके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम जीरो है, तो 2m प्लस 1 जीरो होना चाहिए, यहां से m की वैल्यू आएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। इफ कॉर्ड दिस ऑफ कर्व सबटेंड एंगल पाई बाई के रेडियन एट पॉइंट 1,1 देन द वैल्यू ऑफ k। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप होमोजेनाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जब होमोजेनाइज करते हैं तो इक्वेशन कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। यहाँ पे तो भाई ये 90 जो भी पाई बाई के रेडियन है ये 1,1 पे सबटेंड कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ दिया गया है कि आपके पास ये कोई एक कर्व है, ये कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये किसी पॉइंट 1,1 पे कुछ पाई बाई के एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ये एंगल, ये वाला एंगल दे रखा है यहां पे पाई बाई की, देन वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, जो
ओरिजिन है उसको शिफ्ट करेंगे 1,1 पे। तब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एट 1,1 करेंगे तो ऐसे केस में आपको कुछ नया कर्व मिलेगा, क्योंकि भाई ये तो एक्स वाई प्लेन में लिखा गया इक्वेशन है। आप इस कर्व की ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर रहे हैं 1,1 पे, तो वहां से आप इजिली होमोजेनाइज कर पाएंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एट 1,1 करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहां पे x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस 1 पे और y को रिप्लेस कर दीजिए y प्लस 1 से। ये रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको जो नए इक्वेशंस मिलेंगे, उसमें ये सारी बातें होंगी, लेकिन एंगल कहां सबटेंड हो रहा होगा 0,0 पे। यहां पे हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फंडा यूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे, या आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, आप यहां पे ऐसा कर सकते हैं, ये आपके पास वाई एक्स प्लेन में इक्वेशन लिखा गया था, अब आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके अपनी एक्सेस बदल रहे हैं, कुछ एक्स डैश वाई डैश कर रहे हैं, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। एक्स को ऐसे आप रिप्लेस कर दिए, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं उस पर चले आइए, ठीक है। यानी एक्स डैश और वाई डैश जो हम यहां पे इक्वेशन सब बना रहे हैं, वाई डैश और एक्स डैश हमारी एक्सेसेस होंगी। पहले जो 0.1,1 हुआ करता था, क्या बन गया ये 0,0। तो नया इक्वेशन क्या होगा, आप यहां पे रिप्लेसमेंट करिए, तो एक्स डैश प्लस 2y डैश प्लस 1 इक्वल्स 0। एक तो ये इक्वेशन मिला। अच्छा, यहां पे भी वही काम करेंगे, x डैश प्लस 1, ये सारा आप रिप्लेसमेंट करिए। तो आप सॉल्व करिए, यहां से आपको शिफ्टिंग के बाद जो नया इक्वेशन मिलेगा, 6x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 4x डैश प्लस 4y डैश प्लस 1 इक्वल्स 0 प्लस 1 इक्वल्स 0। अब ये जो आपने कर्व यहां पे बनाया था, सेम कर्व आपको कहां पे दिख रहा है, इस y डैश x डैश एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यानी यहां पे भी ऐसा कोई एक कर्व दिया हुआ है, और ये जो आपकी लाइन यहां पे दिख रही है, ये वाली लाइन है, और ये यहां पे ओरिजिन पे कुछ पाई बाई के एंगल सबटेंड कर रही है। हम क्या करेंगे, लाइन और कर्व को मिला के होमोजेनाइज करेंगे, ठीक है, या कर्व को इस लाइन की मदद से, ऐसा आप बोल सकते हैं, होमोजेनाइज करेंगे। तो आपको यहां पे मिलेगा 6x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 4x डैश इंटू 1 था, तो आप सिंपली 1 को क्या लिख लेंगे यहां पे, माइनस एक्स डैश प्लस 2y डैश। तो भाई यहां पे आएगा माइनस एक्स डैश माइनस एक्स डैश प्लस 2y डैश प्लस 4y डैश इंटू 1 करेंगे, तो 1 की प्लेस यही आएगा, माइनस एक्स डैश प्लस 2y डैश प्लस 1 की प्लेस पे, मींस x डैश प्लस 2y डैश का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम एक बार जरूर चेक करेंगे कहीं x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट का सम जीरो ना हो रहा हो। एक बार कोशिश करते हैं, यहां पे x डैश स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालते हैं, यहां पे माइनस 4x डैश स्क्वायर आ रहा है, यहां से x डैश स्क्वायर आ रहा है, यहां पे 6x डैश स्क्वायर है, कितना है 7x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करते हैं, यहां पे y डैश स्क्वायर है, यहां पे माइनस 8y डैश स्क्वायर है, यहां पे 4y डैश स्क्वायर है, यहां पे 4y डैश स्क्वायर है। तो पूरा रिवीजन कर लेते हैं, यहां पे माइनस 4x डैश स्क्वायर आया था, 6 और ये, तो 7, यहां पे 3 होता, ठीक है, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। वैसे ही आप y डैश स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिखिए तो माइनस 3 आ रहा है। क्या बाकी टर्म से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं बाकी टर्म से, हमें
ये काम करने के बाद ये लाइन तो मिली गई थी पेयर ऑफ लाइन, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी जो पाई बाई के लिखा हुआ सिंपली वो पाई बाई क्या होना चाहिए था 2, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो साथ ही इसमें इतना ही, थैंक यू।